हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, यानी कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के बारे में। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के बारे में। दोस्तों, ये जो है यह 2021 का नेशनल फिल्म अवार्ड है, लेकिन इसकी जो घोषणा हो रही है वह 2023 में हो रही है, क्योंकि यह कोविड के चलते इस प्रकार के यहाँ पे डिले हो रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर इसी को बात करते हैं और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। तो ये जो है फिल्म पुरस्कार की घोषणा जो हुई है वह कौन किया है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह घोषणा की गई है फिल्म के पुरस्कारों की। और पुरस्कार कौन दिया है? तो पुरस्कार जो दिया हुआ है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप लोग दोनों को ध्यान रखेंगे, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं, सबसे पहले स्वर्ण कमल पुरस्कार, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे गोल्डन लोटस अवार्ड। तो ये किस किस को मिला है देखते हैं। तो यहाँ पे है बेस्ट फीचर फिल्म, तो बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। तो इस फिल्म को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड और इसके जो हैं डायरेक्टर हैं वह हैं आर माधवन। तो आर माधवन इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड में है इसका बेस्ट डायरेक्शन, तो बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है गोदावरी, जो कि एक मराठी फिल्म है। तो गोदावरी जो है मराठी फिल्म, उसको बेस्ट डायरेक्शन का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ बेस्ट पॉपुलर फिल्म, तो यह है आर, तेलुगु मूवी है, आप लोग जानते हैं यह बहुत ही फेमस है यह मूवी। तो यह आरआरआर को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है, ये घोषणा हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर, तो बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर कौन है? तो मेपादिया है, जो कि मलयालम मूवी बनाते हैं उनका डायरेक्टर है, यानी कि मेपादिया जो है वह बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर हैं। तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अगर हम बात करेंगे तो किसे मिला? तो यह है गांधी एंड कंपनी, यह है एक गुजराती मूवी, तो इसी को एक बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिल गया है, यानी कि पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि घोषणा हो चुकी है। तो बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड के लिए है गांधी एंड कंपनी, गुजराती मूवी है। तो ये आप लोग इतना को ध्यान रखेंगे, इन्हें मिला है स्वर्ण कमल पुरस्कार यानी कि गोल्डन लोटस अवार्ड। अब हम लोग बात करते हैं रजत कमल पुरस्कार यानी कि सिल्वर लोटस अवार्ड, ये भी है। तो इसी में अभी हम लोगों को देखना है कि क्या क्या पुरस्कार मिला है, किसे किसे मिला है, जहाँ से इम्पोर्टेंट पूछे जाने की संभावना है वही है यहाँ पर बताया गया। तो बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो देखिए ये है कि जो है राष्ट्रीय के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो किसे मिला? तो द कश्मीर फाइल्स को मिला है, ये एक बहुत ही चर्चित वाला मूवी था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो द कश्मीर फाइल्स को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यह है द कश्मीर फाइल। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू, तो ये देखिए सामाजिक जो है इशू पर आधारित बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अनुनाद, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुनाद मूवी है। द रेजोनेंस, इसका पूरा फिल्म का नाम है अनुनाद द रेजोनेंस, यह एक असमी मूवी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किस भाषा का है मूवी ये ध्यान रखेंगे। तो अनुनाद द रेजोनेंस यह एक बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, सोशल इशू पर आधारित यह बेस्ट फिल्म है। अगला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अल्लू अर्जुन को, आप लोग जानते ही होंगे यह दक्षिण भारत के एक मशहूर एक्टर हैं। तो इसको जो है पुष्पा द राइज मूवी के लिए यह पुरस्कार दिया गया और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी पुष्पा द राइज मूवी के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया और साथ साथ कृति सेनन को मूवी जो है मिमी मूवी के लिए दिया गया। तो ये दोनों नामों को ध्यान रखेंगे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट, जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को जो है मिमी मूवी के लिए दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, यानी कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर गायक जो हैं वो मेल किसको दिया गया? तो यह है काल भैरव, जो कि आरआरआर मूवी के लिए दिया गया। तो काल भैरव को है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए दिया गया। साथ साथ फीमेल की बात करते हैं तो श्रेया घोषाल को दिया गया है, जो कि इरावन निजहल मूवी के लिए दिया गया है। तो श्रेया घोषाल को है बेस्ट फिल्म के लिए, जो फीमेल है बेस्ट प्लेबैक सिंगर उसके लिए श्रेया घोषाल को दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पुरस्कार मिला है पंकज त्रिपाठी को और यह
मिमी मूवी के लिए ही दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पंकज त्रिपाठी को दिया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। उसी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया पल्लवी जोशी को, जो कि द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया। तो पल्लवी जोशी को यह दिया गया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। अब बात करते हैं बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह सरदार उधम के लिए दिया गया है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड। और ये जो है सरदार उधम, इसमें है विकी कौशल, इसमें एक्टिंग किए हैं, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी पर आधारित है। तो सरदार उधम को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए दिया गया है। बेस्ट एडिटिंग की बात करेंगे तो इसमें गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया, जो कि एक हिंदी मूवी है, तो यह बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। बेस्ट कोरियोग्राफी की बात करें तो बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला है RRR को, और जो गाना है नाटू नाटू गाना, इसी के लिए यह बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया है RRR को। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यह भी एक फेमस मूवी का गाना है नाटू नाटू गाना, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी की बात करते हैं तो स्टंट के लिए भी दिया गया है बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी, तो उसमें दिया हुआ RRR को, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। साथ साथ में बेस्ट इफेक्ट, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का अवार्ड दिया गया है RRR यानी कि RRR को दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि यहाँ पे फिल्म का घोषणा होता है तो उसमें ज्यूरी लोग बैठे रहते हैं, सदस्य रहते हैं, तो उनके द्वारा जो दिया गया अवार्ड स्पेशल ज्यूरी अवार्ड हुआ है शेरशाह मूवी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म के हीरो थे, आप लोग देखे ही होंगे, तो शेरशाह मूवी को दिया गया स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करते हैं तो कॉस्ट्यूम जो है यहाँ पे ड्रेस जो होता है उसके लिए किसे मिला, तो यह मिला है सरदार उधम के लिए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सरदार उधम जो मूवी है उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया गया है यह 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में। अब बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट लिरिक्स की बात करते हैं, सबसे अच्छा गाना क्या है, तो वह है चंद्रा बोस को दिया गया है, जो कि कोंडा पोलम एक गाना है तेलुगु मूवी का, तो कोंडा पोलम गाने के लिए दिया गया चंद्रा बोस को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों यहीं पर रीजनल लैंग्वेज फिल्म अवार्ड भी दिया गया 69th वाले नेशनल अवार्ड में, नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो ये देखते हैं कौन कौन से रीजनल जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज में अच्छे अच्छे फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो असमी भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इस पे जो है अनूर मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, असमी मूवी, आप लोग ध्यान रखेंगे नाम, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बंगाली में बात करते हैं तो यह काल का खो, ये है नाम काल को खो, यह बंगाली मूवी है, इसको भी अवार्ड मिला है। साथ साथ गुजराती मूवी की बात करते हैं तो यह है छेलो सो, यह है गुजराती मूवी, इसको भी रीजनल लैंग्वेज में अवार्ड मिल गया है। कन्नड़ में बात करते हैं तो यह है 777 चार्ली, यह इस फिल्म को अवार्ड मिला है 777 चार्ली, यह ध्यान रखेंगे कन्नड़ में, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है रीजनल लैंग्वेज में किसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, ये से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर मलयालम, तो मलयालम भाषा में जो है वह होम मूवी को दिया गया है अवार्ड, तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा है मराठी, तो मराठी भाषा में देखेंगे तो एकदा काय जाला, यह है एकदा काय जाला, यह मराठी मूवी है, इसको भी अवार्ड दिया गया है। ओडिया फिल्म की बात करते हैं तो इसमें है प्रतीक्षाया, यह जो है फिल्म ओडिया भाषा में है, इसको भी अवार्ड दिया गया है। तेलुगु भाषा में बात करते हैं तो तेलुगु भाषा में बात करते हैं तो यहाँ पर दिखता है उपेन्ना, यह है मूवी जिसको अवार्ड दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि ये जो है रीजनल लैंग्वेज में बनी भाषाएं, बनी फिल्में हैं, इसमें से कौन कौन से हैं ये आप लोगों को मैंने बता दिया, तो इसे यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वह बेस्ट कोरियोग्राफी, साथ ही साथ बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, ये भी क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस, ये दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और फीमेल, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट ही आप लोगों के लिए। और यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया वो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि एक हिंदी फिल्म है, और कृति सेनन जो कि मिमी मूवी के लिए दिया गया वो भी हिंदी मूवी है, इन दोनों को मिला गया। बेस्ट एक्टर का जो अल्लू अर्जुन पुष्पद राज के लिए दिया गया, ये अभी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर द कश्मीर फाइल और
अनुनाद रेजोनेंस असमी मूवी है, इन दोनों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये जो है वेस्ट पोर्टर फिल्म RRR है तेलुगु भाषा में, बेस्ट डायरेक्शन जो है वो गोदावरी के लिए, और वेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए मिल गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का जो घोषणा हुआ उसमें इनको पुरस्कार दिया गया, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। यहाँ से जितने भी चीज़ें हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हैं ही, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, हो सकता है आपके आने वाले एग्जामों में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए।